मेरे साथ इस वक्त एनडीआरएफ की डीजी एसएन प्रधान इस वक्त जो है फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर एसएन प्रधान, सर क्या डिटेल्स आप दे सकते हैं? अब तक की क्या जानकारी आपके पास, क्या नंबर है, कितने लोगों की मौत हुई है, आपके पास क्या जानकारी है सर एसएन प्रधान? देखिए, जो टीम्स हैं, एनडीआरएफ की टीम्स हैं, वो मामलापुरम से पहुंच गई थी और ऑलरेडी वो सर्च एंड रेस्क्यू में मदद कर रही थी। अभी अभी मुझे ग्राउंड से कमांडर ने फोन किया कि जो लास्ट सर्च जो एयरक्राफ्ट का था वो किया गया, और जो लास्ट वाला सर्च है उसमें दो लोग मिले, जो एक महिला और एक पुरुष मिले, जिसको एनडीआरएफ की टीम्स ने निकाला। कुछ वहां पर मेटल और इस सब में थोड़ा सा वो शीट्स में फंसे हुए थे, उनको निकाला गया, और अभी वो लगभग कॉन्फिडेंट है 99% कि अब कोई फंसा हुआ नहीं है एयरक्राफ्ट के अंदर। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि एहतियात के तौर पर आप 2-3 बार और सर्च कर लीजिए, तो फिर वो करेंगे। लेकिन और जो बड़ा काम है वो ग्राउंड भी सर्च करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि कोई इंजर्ड कोई कहीं पड़ा हो, अंधेरा है तो पूरा एरिया भी सर्च करेंगे। और साथ ही ये भी उन्होंने खबर दी कि हॉस्पिटल में लगभग 120 करीब लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, और बाकी जो संख्या है, क्योंकि 180 से ज्यादा लोग एयरक्राफ्ट में थे, क्रू और पायलट को मिलाकर, तो बाकी को भी अकाउंट फॉर किया जा रहा है, क्योंकि टैली जब तक अंत तक नहीं हो पाएगा हर एक पैसेंजर का, तब तक काम कंप्लीट नहीं होगा। तो उसी काम में एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है और लोगों को वहां पर मदद कर रही है, स्थानीय प्रशासन को मदद कर रही है। आप ये मुझे बता रहे हैं कि अब एयरक्राफ्ट में कोई भी पैसेंजर यात्री नहीं बचा है, सबको निकाल लिया गया, मतलब या तो अस्पताल में कोई भी नहीं बचा एयरक्राफ्ट में अब? जी, मैं वही कह रहा था कि लगभग 99% आप ये कह सकते हैं, जो 1% चांस रहता है उसके लिए भी वो लोग डबल सर्च करेंगे, लेकिन वो लगभग कॉन्फिडेंट है कि अब कोई नहीं बचा है। जैसा कि मैंने कहा, एक महिला और पुरुष को उन्होंने निकाला, एनडीआरएफ की टीम ने निकाला आखिर में, और अब जो है ग्राउंड सर्च का काम कर रहे हैं और प्री हॉस्पिटल ट्रामा हॉस्पिटल ट्रीटमेंट और ट्रामा ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो लोग अभी भी एयरपोर्ट के आसपास हैं या अंदर हैं, लेकिन वहां से भी लगभग सब लोग जा चुके हैं। और जैसा कि मैंने कहा, 180 प्लस पैसेंजर्स और क्रू पायलट्स को मिला के जो नंबर है उसमें हर एक के बारे में पता करने की जरूरत होगी, टैली करने की जरूरत होगी। फिलहाल अभी 120 से कुछ अधिक लोगों के बारे में हॉस्पिटल में होने की सूचना उनके पास पुष्ट हो चुकी है, जिसमें कुछ लोग कोझिकोड के हॉस्पिटल में है, ज्यादातर लोग लोकल हॉस्पिटल्स में, और कुछ लोग पास के टाउन मामलापुरम में भेजे गए हैं, वहां पर भी हॉस्पिटलाइज है, और दोनों ही जगह पर कुछ डेथ की सूचना है। जो डेथ के बारे में मैं विवरण नहीं दे पा रहा एग्जैक्टली, वो सिविल एविएशन अथॉरिटीज आधिकारिक तौर पर देंगे, लेकिन ये इतना मैं कह सकता हूँ कि ट्रॉमा इंजरीज ज्यादातर लोगों को हुई है, क्योंकि हाई इम्पैक्ट लैंडिंग थी। और ट्रॉमा इंजरीज में एक थोड़ा सा ट्रिकी बात ये होता है कि आप बाहर आपको पता नहीं चलेगा इंजरी है कि नहीं, और अंदर सिर के अंदर या चेस्ट के अंदर इंजरीज हो सकती है, क्योंकि हाई इम्पैक्ट लैंडिंग थी, तो वो असेसमेंट की बात है। अल्टीमेटली कितने लोग ठीक से इसको पार कर पाएंगे और कितने लोग सकम कर जाएंगे, इसके बारे में जानकारी अभी शायद देना मुमकिन नहीं होगा। अगर आप सर बता पाएं कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग जख्मी है, कोई नंबर आपके पास? देखिए, मैं नंबर वही मैं कह रहा था कि डेथ्स कुछ हुई हैं और इंजरीज भी काफी, कुछ लोगों की सीरियस है इंटरनल इंजरीज, लेकिन नंबर मैं अभी देने की पोजीशन में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आधिकारिक तौर पर सिविल एविएशन अथॉरिटीज को दे रहा है, और ऑलरेडी वो लोग अभी अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने कुछ संख्या दी है जो आप देख सकते हैं। आपको पता लगा सर ये रेनी कंडीशंस की वजह से कैसे हुआ हादसा कुछ? देखिए, मैं तो कोई इंजीनियर नहीं हूँ, ना ही मैं इस मामले में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन इतना ही कहा जा सकता है कि 2-3 फैक्टर्स इसमें कहा जा सकता है। एक तो लंबी दूरी की उड़ान थी, और क्योंकि वो दुबई से आ रही थी तो 2-3 अटेम्प्ट उन्होंने लिया था लैंडिंग में, ऐसा पता चला है, तो फ्यूल कम हो रहा होगा तो इसलिए उनको अंत में लैंड करना ही पड़ा होगा, जो भी कारण हो सर्कल करने का। और दूसरा मुझे लगता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो टेबल टॉप एयरपोर्ट है और उसमें टारमैक या जो रनवे है वो एक लिमिटेड है, तो उसके बाद जो जहाँ पर ये गिरा है वो थोड़ा सा उसमें हाइट डिफरेंस है, और जो पानी होगी, जो रनवे पर पानी है, पानी की जल जमाव था, हो सकता है वो फैक्टर हो, लेकिन ये सब कुछ जो है स्पेकुलेशन है, क्योंकि टेक्निकली ये पता चलेगा जब ब्लैक बॉक्स रिट्रीव होगा और सारी डिटेल्स पता चलेगी। इट्स अ टेक्निकल फैक्ट और हम जी लोगों को कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट काबिल नहीं था या पायलट काबिल नहीं था, यह कहना ठीक नहीं होगा। एग्जैक्ट कॉज इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वैसे एक आखिरी सवाल, जब आपकी टीम वहां पर पहुंची है तो किस तरह, मतलब ये बताया गया, हरदीप सिंह पुरी ने जो बताया कि 35 फीट नीचे गिरा है, तो रनवे के आगे क्या ढलान थी उसमें नीचे गिरा और फिर दो टुकड़े हुए? ढलान से ज्यादा मैं समझता हूँ कि जो मेरे ग्राउंड कमांडर ने वहां से बताया है वो लगभग एक स्टीप ड्रॉप था, तो शायद उसका वही कारण हो, क्योंकि वो जो 30 से 35 फीट का ड्रॉप है वो जो है मेरे मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हाई इम्पैक्ट क्रैश टाइप का हुआ होगा, इवन इफ इट वॉज ऑन द ग्राउंड। लेकिन वो डिफरेंशियल जो हाइट डिफरेंशियल है वो एक क्रैश नुमा डिफरेंशियल है जो क्रिएट करता है क्रैश टाइप का सिचुएशन, और इसी के चलते जो अलग अलग हो गया है एरोप्लेन का पार्ट्स वो भी इसी कारण से हुआ होगा, प्लेन का पार्ट्स वो भी इसी कारण से हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया एसएन प्रधान, एनडीआरएफ की डीजी, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम भी ग्राउंड पर है। वो बता रहे हैं कि बहुत ही, मतलब ढलान नहीं बल्कि वो एक खाई की तरह है 35 फीट, और जब विमान ऊपर से नीचे गिरा तो इम्पैक्ट इतना ज्यादा था तो फिर दो टुकड़े हुए, ये ऐसा एनडीआरएफ की डीजी हैं एसएन प्रधान वो बता रहे थे। उन्होंने दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें कही हैं कि अब एक सबसे बड़ी चीज, उनका ऐसा कहना है कि 99% वो श्योर हैं कि अब एयरक्राफ्ट में कोई नहीं बचा है। देखिए ये एक अच्छी चीज है वो जो बता रहे हैं एसएन प्रधान, जो कि एनडीआरएफ की डीजी हैं, वो एक सबसे बड़ी चीज ये कह रहे हैं कि अब कोई एयरक्राफ्ट में नहीं बचा है, 99% वो श्योर है। आसपास वो देखेंगे, क्योंकि जब तक 100% कंफर्म ना हो, क्योंकि 190 यात्री उसके अंदर सवार थे, क्रू को मिलाकर पायलट्स को मिलाकर, अब वो कह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट के अंदर कोई नहीं बचा है अभी, उसके हिसाब से जो ग्राउंड पर जो उनके कमांडर्स हैं एनडीआरएफ के, वो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अब कोई एयरक्राफ्ट में नहीं बचा है। जितने भी लोग जख्मी हैं वो बताया जा रहा है कि उनको पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, और साथ ही जो सबसे बड़ी चीज उनकी तरफ से बताई गई, वो जो 35 फीट ऊंचाई से नीचे गिरा और वहां जाकर जो इंपैक्ट था उस वजह से वो दो टुकड़े हो गया एयरक्राफ्ट 7:41 पर, मतलब लैंडिंग के वक्त टचडाउन थोड़ा आगे हुआ ये बताया जा रहा है, फिर फिसला, पानी भरा होगा रनवे पर या बारिश हो रही थी, फिसला तो वो आगे की तरफ गया, आगे फिर 35 फीट नीचे जाकर गिरा, मतलब रनवे को ओवरशॉट किया, आगे बढ़ा, रनवे छोटा पड़ गया क्योंकि टचडाउन आगे था। और उसके बाद ये देखिए तस्वीर, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा, दो हिस्सों में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक और भयावह यह हादसा रहा होगा, कि जब प्लेन दो टुकड़ों में टूट गया और जो अंदर यात्री, आप सोचिए ना, देखिए यही हम एनिमेशन के जरिए फिर से वही आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे हुआ होगा संभवतः, हालांकि अब इसकी जांच होगी, ब्लैक बॉक्स रिट्रीव किया जाएगा, उससे जानकारियां निकलेंगी कि आखिरी बार जो है एटीसी से क्या कम्युनिकेशन हुआ था पायलट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से। ब्लैक बॉक्स जो होता है उसमें वो कन्वर्सेशन रिट्रीव होता है, मतलब उन जो आखिरी बार बातचीत हुई होगी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, उससे अब चीजें निकल कर आएंगी कि आखिरी वक्त क्या हुआ था, क्या बातचीत हुई थी, वो तमाम चीजें। लेकिन अब ये दो तस्वीरें एक तरफ, अब ये बताया जा रहा है सबसे बड़ी चीज जो इस वक्त की जानकारी है, रात के 11:35 हो रहे हैं, ये जो इस वक्त की सबसे बड़ी जो न्यूज इस वक्त है वो ये है कि एयरक्राफ्ट में कोई नहीं बचा है, 99% कंफर्म है ये खबर, क्योंकि एनडीआरएफ के डीजी ने यह बताया कि एसएन प्रधान उनकी तरफ से कहा गया कि एयरक्राफ्ट से सबको निकाल लिया गया है, नंबर एक। नंबर दो, ज्यादातर 120 के करीब वो बता रहे हैं कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लगभग सभी लोग चोटिल हैं, लगभग सभी लोग ट्रॉमा में हैं, और वो जिस तरह गुम चोट कहा जाता है तो हो सकता है वो भी हो, तो ज्यादातर तो लोग चोटिल हैं, सबको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store, डाउनलोड इट नाउ।